वेलकम बैक आई होप योर आर गुड एंड फाइन तो आप सभी के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया साइंस की बिल्कुल तैयारी नहीं है और कुछ भी नहीं पढ़ा है और मुझे ये भी नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ऐसा कुछ बता दो कि मैं साइंस में पास हो या अच्छा खासा स्कोर आ जाए मेरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की वजह से तो मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊँ और कुछ थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजी आपको बीच में बताता रहूँगा और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के लिए और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल पर जाना वो एक्टिविटी आ चुकी है तो एक्टिविटी आप एक बार जरूर गो थ्रू करेगा क्योंकि जिस बच्चे ने केमिस्ट्री कल के एक्टिविटी कर ली ना वो ये मान लो उसका लगभग लगभग नाइन्टी परसेंट केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है तो ये एक्टिविटी की प्लेलिस्ट है यार ठीक है यहाँ पे जाकर आप केमिस्ट्री एक्टिविटी यहाँ पे क्लिक करके एक्टिविटी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और ये साइंस से रिलेटेड वन शॉट है अगर आप चाहते कि और वन शॉट आनी चाहिए या और कोई वीडियो अगर आप चाहते हो तो एक बार कमेंट जरूर करना मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा ओके तो भाई स्टार्ट करता है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं मेनली एन फोकस करता हूँ क्योंकि सारा जितने भी प्रियस बोर्ड पेपर मैंने एनालाइज करे हैं केमिस्ट्री के अंदर या चाहे वो साइंस हो चाहे वो क्लास टेंथ मैथ्स वैथ्स कुछ भी हो उसमें आपका जो है वो एन मेन फोकस रहा है तो आपको जो है एन जरूर करनी चाहिए स्टार्ट करता है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से ओके uh, okay. तो बिकॉज ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें इतना कोई मेन फोकस नहीं है नेक्स्ट बात करते हैं मैन की रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोल देता है कि वाइट कलर पाउडर जो मैग्नीशियम का ठीक है जो मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन uh, uh, की प्रेजेंस में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ठीक है वो डिजलिंग फ्लेम से जलता है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको क्या करना है एक एक क्वेश्चन बैलेंस करके देखनी है एग्जाम में आपके ठीक है मल्टीपल चॉइस आते हैं ठीक है कोई भी क्वेश्चन मान लिया दे दिया कि ये वाली रिएक्शन उठा कर दे दी और उसमें बोल दे कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं अगर नहीं है ठीक है तो इसको बैलेंस करिए और अगर है ठीक है तो इसके जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जितने भी नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल करके दिखाई तो आपको ऐसे करके टेबल बनाकर दिखा देना है और वहाँ पर आपको एलिमेंट बनाकर नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यह आपका रिएक्टेंट होता है और ये आपका प्रोडक्ट होता है ठीक है तो आपको रिएक्शन देकर बोलेंगे कि कौन सी इसमें से जो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर द बैलेंस ठीक है तो आपको बैलेंस रिएक्शन वहाँ पर टिक करने पड़ेगी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट बात करते गाइज ये आपका ठीक है बैलेंस केमिकल रिएक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी सब बैलेंस केमिकल रिएक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका ओके नेक्स्ट बात करते हैं काफ़ी बच्चे जो है ना वो ये जो ब्लू बुक क्वेश्चन होते हैं इनको छोड़ देते हैं पर आपको ब्लू बुक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ब्लू बुक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जरूर करना है ये पहले वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लू बुक बोल मैग्नीशियम रिबन मेनली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से और यहाँ पे आप यार क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप कर लोगे तो आपको ठीक है बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको एकदम अच्छे से बन जाएंगी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कभी कभी एग्जाम में आपको रिएक्शन दे, दे देते हैं और पूछते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है तो उसके लिए आपको अच्छे से टाइप पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ठीक है कंबाइन होती है चीज़ें जैसे ये वाली रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्विक लाइम वाली और सिलेक्ट लाइम इसमें हीट प्रोड्यूस होती है इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये एंडोथर्मिक है एक्जोथर्मिक है तो आपको पता हो, होना चाहिए कि जो एक्जो रिएक्शन होती है उसमें आपकी हीट रिलीज होती है एंडोथर्मिक में हीट जो वो एब्जॉर्ब होती है ठीक है और एक्टिविटी मैंने आपको बताया दी है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ओके स्टार्ट करता हैं ज़्यादा टाइम भी लूँगा आपका ये वाली रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये वाली रिएक्शन एग्जाम में आती आती है तो ये सी ए सी ओ थ्री ठीक है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट के फंक्शन नहीं पूछ जाता है तो ये वाली रिएक्शन पढ़ लो याद कर लो रट लो कुछ भी कर लो पर कर लो कर लो इंपॉर्टेंट है आगे बात करते हैं गाइज आगे फर्दर मूव करते रहते हैं ये वाली रिएक्शन एक बार आपको तो करना ग्लूकोज की ठीक है डी रिएक्शन में ओके ये वाली रिएक्शन एक रिएक्शन है ये वाली आपकी ये वाली ये प्रीवियस ईयर में आए हुई वाली रिएक्शन इसे डाइट दा, दा, पूछा था कि लेड नाइट्रेट को हीट करा अब बताओ इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बना तो आप डेफिनेटली अगर आपको ये पता होगी तो आप डेफिनेटली इसका पूरा प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे जिसमें कोई भी इशू कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है एक आप ई सी ओ सी थ्री वाली कर लेना पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये ठीक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाली है नेक्स्ट uh, बात करते हैं यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस प्रिजेंस लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाली जरूर रिएक्शन आपको जरूर करके जानी है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और इसका कभी कभी कलर पूछ लेता ठीक है तो सिल्वर कलोर है टर्न ग्रे तो ये ग्रे याद रख लेना ग्रे इन सनलाइट ओके okay, तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है जिसमें मेनली ये पूछा जाता है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ठीक है जि, जिसमें हमने आयरन आयरन uh, नेल डाली है उसका कलर जो है वो फेड क्यों हुआ या किस कलर का हो गया तो यहाँ पर आपका ग्रीन ठीक है फेड ग्रीन कलर का यहाँ पर आपको हो गया और आयरन नेल का भी कलर यहाँ पर चेंज हो गया तो आपको यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता नहीं चाहिए ये वाली रिएक्शन आप पढ़ लेना ठीक है नेक्स्ट बात करता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काफी बार ये पूछ लेता है कि प्रेसिपिटेट कौन सा बना या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को क्या क्या बोलता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलता है ठीक है तो एन ए सोडियम सल्फेट ये BaCl2 क्लोराइड बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ठीक है तो यहाँ पे आपका जो प्रेसिपिटेट है वो BaSO4 आपका प्रेसिपिटेट बन गया और NaCl ए पानी में डिजोल्व हो ही जाएगा ठीक है इसी बात है समझ जाए नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है बट आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है ऑक्सीडेशन मतलब का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ओ और रिडक्शन का मतलब क्या है रिडक्शन uh, का मतलब क्या है ठीक है रिड्यूज ओ रिड्यूज ओ या रिमूवल ऑफ ओ ठीक है रिमूवल ऑफ ओ ओ क्या है यहाँ पर ओ ऑक्सीजन ठीक है तो ओ मतलब आउल नहीं है ओ मतलब ऑक्सीजन है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ओके okay, ये वाला पार्ट आप एक बार गो थ्रू कर लेना जिसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं बाकी इसमें कोई ऐसा सच ठीक है बड़ी बात नहीं है कोई इंपोर्टेंट नहीं है कोरो, कोरोजन का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है मेनली आप सभी को पता ही होगा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं नेक्स्ट uh, इंपॉर्टेंट ये ये वाला ये वाला कभी कभी आता है एक्स वाले ठीक है शाइनिंग ब्राउन कलर एक्स ऑन हीटिंग कर दिया ठीक है ब्लैक कलर का बन गया तो आपको पता ही है ऑन हीटिंग करके कॉपर ऑक्साइड हो गया ब्लैक कलर का ठीक uh, है ये शाइनिंग ब्राउन जो है ये कॉपर है ठीक है नेम द एलिमेंट एक्स द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म तो आपको पता है कि ब्लैक कलर कंपाउंड ये रहा कॉपर ऑक्साइड के uh, नेक्स्ट okay, बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर पर डबल डिस्पिजन रिएक्शन का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है और ये ट्वेल्व मैंने आप भी आपको बताया ठीक है डी कम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरी तरफ से आपके केमिकल एक्शन एड्वेशन ओके अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने एक्सलेशनस और चैप्टर के बारे में काफी ज़्यादा ईजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर काफी ज़्यादा बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं कि भैया बड़ा चैप्टर है बट ऐसा नहीं है इस चैप्टर के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं मेनली वो मेनली ये बनता है कि आप एक्सडें बेसिस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं जहाँ पर आपका लेटनाम टेस्ट आ जाता है टेस्ट आ जाता है यहाँ पे और आपके जो भी नेचुरल इंडिकेटर है तो अगर आपने वो चीज़ पढ़ ली तो आपका फिफ्टी परसेंट चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ कि एन सी का अगर आपने ये वाला चीज़ पढ़ ली तो आपको यहाँ पे सिंपली चीज़ें पता चल जाएगी कि, कि जो लिटमस टेस्ट होता है वो कैसे होता है और लिटमस सोल्यूशन यहाँ पर आपको चीज़ें डिटेल हो जाएंगी तो आप ये एक बार गो थ्रू कर देगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ ठीक है तो ये मेनली वही है लिटमस से रिलेटेड है ठीक है कौन सा आपका एसिड अगर आप ठीक है रेड लेटमस में डालते हैं तो एसिड किस में चेंज होगा ठीक है और आप अगर उसमें बेस डालते हैं तो वो रेड लेटमस जो है किस में चेंज हो जाएगा तो ये चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया अपनी प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने एक्टिविटी बेस्ड सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है ठीक है तो गायस कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का आपको पता होना चाहिए कि क्या किस में चेंज होता है एसिड में डाल देते हैं तो ऑल फैक्ट्री की स्मेल गायब होती है यानी बेस में डाल देते हैं तो वहाँ पर रहती है गायब हो जाती है इसमें तो वो चीज़ें मैंने आपको एक्टिविटी बेस्ड बता रखी है ठीक है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एक्टिविटी का नेक्स्ट बात करते हैं गाइज़ ठीक है मेनली यहाँ पर रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि एसिड और बेस अगर या फिर एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर साल्ट और हाइड्रोजन बनता है तो, हाँ बनता, तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम सिंकेट की काफ़ी बार एग्जाम में आई है डायरेक्ट यही पूछ लेता है बस ये दे देता है और बोलता है कि भाई आपको प्रोडक्ट लिखना तो प्रोडक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं ओके तो गाइज़ नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ये वाली रिएक्शन जो काफ़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं आपको कहता लाइम वाटर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दे तो क्या होगा ठीक है या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ अगर हम एसिड की रिएक्शन करा दें तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो ये चीज़ें आपको डिटेल पता होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आ, ओके 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 स्टार्ट करते हैं ठीक है ये वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाला मेटल कार्बोड प्रोड्यूस एफरस ओके मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट करा उसने ठीक uh, है एचसेल के साथ तो मेटल कंपाउंड कोई भी मेटल का कंपाउंड है उसने एच्ल के साथ रिएक्ट करा तो मेटल का कंपाउंड कोई भी हो सकता है मैंने ऊपर अभी आपको बताया था जैसे सोडियम कार्बोनेट है या फिर कोई भी एंड प्रोड्यूस उसका एफर एफरवसेंस uh, आया द गैस इवो एक्स्टिंग द बर्निंग कैंडल बुझा दिया तो डेफिनेटली कार्बन डाईऑक्साइड यहाँ से गैस हो निकल दी होगी तो ये चीज़ें आपको थोड़, थोड़, थोड़ी 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 चीजें पता होनी चाहिए जिसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं जिसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है नेक्स्ट uh, बात करते हैं वाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन इनकोम तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड एंड बेसिस जो है वो आपकी ठीक है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री आयंस है तो आपको फ्री आयंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए मैंने एक्टिविटी में सब क्लियर कर रखा है एक्टिविटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्ले लिस्ट में अगर देख लेना इस चैप्टर की एक्टिविटी मैंने सब क्लियर कर रखा है ए टू जेड तो मेनली अगर आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है और यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ तो यस 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 ये वाला जो आपका डायलोशन ठीक है और ये डायलोशन का जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है ये वाला आपका पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आया हुआ है वाई डू एच एल एच्री सो एसडीटर सोल्यूशन वाई दोल्यूशन कंपाउंड लाइक एल्फोन ग्लूकोज तो ये आपका जो है वो आपका आयन से रिलेटेड है कि किस में फ्री आयन ज़्यादा होते हैं किस में फ्री आयस नहीं होते हैं क्योंकि आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है थर्ड क्वेश्चन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिफ्थ क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सिक्स क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ आपको जो गो थ्रू करनी है इस हाउ डू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इन द सोल्यूशन ठीक है आपको पी एच होना चाहिए इस पी एच के लिए मैं आप अभी आपको बतायाता हूँ ठीक है ये सेवन रीडिंग होती है जीरो होती है ये आपकी रीडिंग यहाँ पे होती है इस फोटी तो इसके बीच में तो होता है आपका एसिड ठीक है और इसके बीच में होता है आपका बेस ठीक है अगर आप सेवन से इधर चलेंगे तो बेस इंक्रीज़ होगा ठीक है और और अगर आप सेवन से इधर चलेंगे डिक्रीमेंट में सेवन से इधर चलेंगे तो आप आपका एसिड करेक्टर इंक्रीज़ होगा ठीक है एसिड इंक्रीज़ तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ एसिड इंक्रीज़ यहाँ पे बेस इंक्रीज होगा मतलब अगर जीरो होगा तो हाईली एसिडिक होगा और और अगर फोर्टीन के आसपास होगा तो हाईली बेसिक होगा सेवन पे न्यूट्रल अगर ऐसे आते चले जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा है ना तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए यहाँ पे आपको कुछ ठीक है आपको बता रखा है ब्लड का कितना होता है मिल्को मे, मैग्नीशिया कितना होता है ये पी आपको मेनली बता रखे हैं ओके पी का डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये एक बार इंपॉर्टेंट है आप पढ़ लेना मेनली एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है सेकेंड एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं बट ठीक है मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ब्लू ब्लूबो क्वेश्चन तो जरूर करने चाहिए फैमिली ऑफ द सोल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ठीक है जैसे मैंने आपको यहाँ पर ठीक है ये वाला ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्मड यहाँ पर ठीक है क्लोर एल्कली प्रोसेस जब वो क्लोरीन गैस कहाँ से निकल रही है ठीक है तो ये चीज़ें आपको गाई थोड़ा सा चीज़ें पता होनी चाहिए कि एनोड पर कौन सी गैस निकल लिया कैथोड पर कौन सी गैस निकल रही है तो ये आपका ठीक है क्लोर एल्कली प्रोसेस आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मला इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार आया हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मला या फिर कैल्शियम हो या ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन एक बार करके दिखा दो तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए जूजिज एंडल आपको ये वाले इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाली नेक्स्ट बात करते हैं बेकिंग सोडा के मतलब आपको ये है कि यूजेज तो मेनली पढ़ने पड़ने ठीक है कि इसमें प्लास्टर ऑफ पैरिस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिप्सम में काफ़ी बार पूछ लेता था कि एक कंपाउंड है एक्सर ठीक है उस वाटर के क्रिस्टल उसमें आ रहे हैं वो पानी डालने पर हार्ड हो गया तो ये दुनिया भर की चीज़ें बनाते रहते हैं बोर्ड्स वाले बट आपको पता होना चाहिए कौन से जिसका क्लियर वो क्वेश्चन एकदम ये मान लो कि फटाफट कर देगा कोई इशू वाली बात नहीं है उसमें ठीक है तो प्लास्टर ऑफ पैरिस के बारे में आप सभी को चीज़ें पता होनी चाहिए ओके ऑल राइट ओके ये थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अच्छा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट कर दिया गया है तो भैया सोडियम का, हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा है एन ए सी ओ थ्री और आपको पता ही है एन एस सी ओ थ्री क्या है ठीक है बेकिंग सोडा आ, तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताएं एसिड बेसिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर इलेवन आप पेपर को थ्रू करना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता पताना चाहिए एसिड प्लस बेस इक्वल टू गिफ्ट सॉरी एसिड बेस गिफ्ट सॉल्ट एंड वाटर तो ठीक है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्शन होगी यहाँ पर ठीक है सिक्स ओके okay, तो फाइनली गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं ज़्यादा टाइम ठीक है लेट ना करते हुए मेटल नॉन मेटल के ऊपर जंप कर जाते हैं हम अपने तो ये मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड आपको ठीक है ये पता होना चाहिए कि जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो कैसी है और मेटल जो है वो ठीक है आ, अगर रिएक्शन कर जाए एसिड के साथ तो वहाँ पर आपको रिएक्शन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए ओके uh, okay, तो भाई हम नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं यहाँ पर ये एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी बता दी तो आप एक्टिविटी जाकर एक बार गो थ्रू करिएगा मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस काफ़ी बार आ जाता है तो आपको एक बार ठीक है डिफरेंस पता होना चाहिए मेटल नॉन मेटल का ठीक है मेटल एंड नॉन मेटल ठीक है तो ऑलरेडी मैंने पिछले साल वीडियो अपलोड करी थी इंपॉर्टेंट ठीक है क्वेश्चन की तो इस साल भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो मेनली ये ठीक है वैलिड होते हैं ये वाले इंपॉर्टें क्वेश्चन आप ठीक है कोई भी क्लास टैसा एग्जाम सभी के लिए है क्योंकि आते ही आते हैं यहाँ पे आपको पता हो, होना चाहिए कि आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है बट ये ठीक है लश्चर तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको पता होना चाहिए जैसे मरकरी जो मेटल है बट वो क्या है लिक्विड है तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी डिटेल होनी चाहिए कौन सा सॉफ्ट मेटल है कौन सा हार्ड मेटल है तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए ओके नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं आ, ये वाली रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार आप गो थ्रू करिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड आता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्साइड की वाली रिएक्शन आप गो थ्रू कर लेगा इंपॉर्टेंट है ऑक्साइड आते ही आता है बढ़िया ठीक है जो कि एसिड और बेस दोनों का करेक्टर शो करता है ओके ये यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड डज नॉट बर्न विद द बट द हॉट मेटल कोटेड विद द ब्लैक कलर लेयर लेयर द कॉपर ऑक्साइड सिल्वर एंड गोल्ड नॉट रिएक्ट विद द द ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर तो ये वाली आपको चीज़ें पढ़नी है इंपॉर्टेंट है एनोडाइजेशन रिएक्शन एक बार गो थ्रू कर लेगा इतना ज़्यादा नहीं आता बट बट एनोडाइजेशन रिएक्शन का आपको एक दो मार्क्स में थोड़ा लिखने के लिए आ सकता है ओके okay, तो गाइज़ नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ओके okay, ये वाली जो रिएक्शंस है इसमें बस एक बार या ये याद रखना है कि कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है ठीक है और स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करता है गाइज ठीक है और यहाँ पर आपका हॉट वाटर के साथ ठीक है तो ये आपकी ये स्टीम वाले गाइस ठीक है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं ये आपके जो है लेस वायलेंटली कैल्शियम ठीक है ये आपका रिएक्शन कर जाता है कोल्ड वाटर के साथ और ये आपका ठीक है ये इजीली रिएक्शन कर जाते हैं बहुत ही एक्सप्लोजिव होते हैं मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर तो मैगनीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए कि कौन से कोल्ड वाटर के साथ करता है कौन से हॉट वाटर के साथ करता है थोड़ी सी चीज़ आपको चीज़ें गो थ्रू हो जाएगी तो कोई भी इशू नहीं आने वाली है यहाँ पे आप एक बार रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है ठीक है एक्वा एक्वा ये आपको थोड़ा क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इसमें कभी कभी रेशियो पूछ लेता है ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का इसमें रिएक्शन रेशियो कितना होता है थ्री रेशियो वन ये होता है तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा नेक्स्ट इतना सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर ठीक है ऑलरेडी ये आपका ठीक है ये रिएक्शंस है आपकी ये जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है तो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई दिया ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है ठीक है चाहे एग्जाम में हो ना हो क्योंकि आपके फर्दर क्लास में यूज आएंगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके uh, okay, ये वाला क्वेश्चन फोर्थ ओके 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 प्रॉपर्टीज ऑफ आइनिक कंपाउंड एक बार गो थ्रू करना है आइनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ठीक है आपके और जो आयनिक कंपाउंड होता है वो मेनली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो काफी ज़्यादा हाई होता है उनकी सोलबिलिटी काफी ज़्यादा अच्छी होती है वो ईजिली पानी में डिजोल्व हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं फिजिकल नेचर क्या होता है वो सॉलिड होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी ज़्यादा हाई होती है तो यू कैन ईजिली गो थ्रू दिस ठीक है एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल में सीधा रिएक्शन पूछ जाता है कि कौन सा मेटल का ओर है तो आपको ये मेटल्स का ओर यहाँ पर पता होना चाहिए ठीक है जब ये एच जी ओ मरकरी ऑक्साइड ठीक है एच जी ओ ये वाला ठीक है एच जी एस कौन सा मरकरी का ओर है ठीक है तो आपका यहाँ पे एच जी ऐसा तो सीना बार इसको बोलते हैं तो ये मेनली आपको चीज़ें गो थ्रू होनी चाहिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ठीक है कैल्शियशन रोस्टिंग ये आपको थोड़ा सा क्लियर होगी तो आपको डेफिनेटली ठीक है और ये रिएक्शन आपको याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये ये पूछा था कि ये आपको तीन चार रिएक्शन दे देंगे बोलेंगे कि कौन सा सही तरीका है ठीक है मेटल निकालने का एक्सट्रैक्ट करने का तो आपको रिएक्शन अगर गो थ्रू होंगे तो सिंपली कोई भी इशू नहीं आने वाले ओके okay, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर थर्माइट्रैक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेनली ठीक है रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है तो एक बार थर्माइट्रैक्शन को ध्रू कर लेना डिफाइनिंग ऑफ मेटल ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल में आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ठीक है इसका ये पढ़ लेना जिसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं कैटोद एनोड पर हम ठीक है ठीक है जो प्योर प्योर मेटल लगाते हैं और जहाँ पे सॉरी इम्प्योर मेटल लगाते हैं और वो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो इम्प्योरिटी निकलती रहती है और प्योर में कन्वर्ट होता रहता है ठीक है तो ये चीज़ें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आप एक बार गो थ्रू करेगा क्योंकि चैनल पास ऑलरेडी है इसलिए मैं इनको डिटेल नहीं करवा रहा हूँ सारी चीज़ आपको चैनल पर मिल जाएगी केमिस्ट्री uh, से रिलेटेड ठीक है कोरोजन एक बार आप गो थ्रू कर लेगा कोरोजन कैसे होता है और कोरोजन के लिए ठीक है ये एक्टिविटी ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएगी एलोइंग uh, क्या होता है एलोइंग एक बार ठीक है गैलवनाइजेशन एलोइंग ये एक बार छोटा मोटा पढ़ लेना ठीक है मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो ठीक है छूट जाए ओके अमल कम ठीक है ये वाला एक इम्पोर्टेंट है जो मरकरी का जो वो होता है उसको एलोए को भी क्या बोलते हैं ठीक है सोल्जर सोल्जर इज एन एलोए ऑफ टिन ठीक है ब्रॉन्च इज एन एलोए ऑफ द टिन तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको थ्रू करिएगा इससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गाइज ओके 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 सिक्सटीन टेन ये ट्वेल्थ तो सारे इंपॉर्टेंट है इसके तो अच्छे क्वेश्चन है ट्वेल्थ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ये बहुत क्वेश्चन आते हैं ये ठीक है एक टाइम पे नंबर वन क्वेश्चन थे अपने टाइम पे ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया आप थर्ड एंड फोर्थ यहाँ से भी गो थ्रू करेगा ओके तो गाइज़ नेक्स्ट बात करते हैं आप पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्बेंट्स कंपाउंड के बारे में हम बात करते हैं ठीक है फिर आगे हम आ, अपनी वीडियो को फिर एंड करते हैं कार्बेंट्स कंपाउंड के बाद ओके तो वैस कार्बन कंपाउंड जो काफ़ी ज़्यादा ठीक है अच्छा चैप्टर है लेंदी चैप्टर भी काफ़ी बच्चे इसको कहते हैं बट सीरियसली मुझे चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है अगर आप इसको बेसिक से पढ़ेंगे बट अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले तो इसको रैपिड फायर की तरह एकदम फिनिश करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो भाई अगर मैं आपको कार्बन कंपाउंड के बारे में बताऊँ इस चैप्टर के बारे में तो मेनली इस चैप्टर में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये वाला टेबल एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लेगा ठीक है ये वाला टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाला ठीक है कार्बनस के बारे में कि कार्बन जब वो ठीक है कैटाइन एन में क्यों नहीं बनाता है और कार्बन जब वो कोल एंड बॉन्ड में क्यों बनाता है, तो ये चीज़ आपको गो थ्रू होनी चाहिए कि कार्बन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है तो कैटिनेशन से रिलेटेड कैटी नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिससे मैंने वन शॉट अगर आप देख लोगे ठीक है वन शॉट आपको चैनल पे मिल जाएंगे एक बार अगर आप गो थ्रू कर लियो कर लोगे तो आपको ठीक है उसमें कोई भी इशू नहीं है ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आ, वन शॉट और फुल चैप्टर में अगर आप जाएंगे ठीक है ये हमारी वन शॉट यहाँ पर खुल गई है आ, ओके ठीक है तो अगर आप यहाँ पर साइड्स में देखेंगे तो यार आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज वन शॉट यहाँ पर मिल रही होंगी ठीक है अगर आप थ्रू करेंगे जैसे लाइफ प्रोसेस है मैग्नेटिक इफेक्ट है लाइट चैप्टर के ऊपर है गार्मेंट्स कंपाउंड पर भी ठीक है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीज़ें डाली हुई हैं तो यहाँ पर आप गार्मेंट कम्पाउंड के फुल चैप्टर वन शॉट आप एक बार चेकआउट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ठीक है ओके तो भाई इसमें अगर हम आगे मूव करें फर्दर अपने चैप्टर्स के बारे में तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रोट स्ट्रक्चर पर ऑलरेडी वीडियो चैनल पर है तो एक बार आप इलेक्ट्रॉन रोट स्ट्रक्चर देख सकते हैं दो तीन स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो मेनली अब तो इतना बंद हो गए इलेक्ट्रॉन रोटी स्ट्रक्चर आने पहले बहुत आते थे बट एक दो क्वेश्चन आप जरूर करके जाना एग्जाम बेस के लिए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ठीक है कर सकते हैं ग्रेफाइट काफ़ी बार पूछ लेता है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वर्सटाइल नेचर ऑफ़ कार्बन ठीक है तो यहाँ पे कार्बन की बॉन्डिंग सैचुरटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में आपको पता होना चाहिए कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कार्बन लंबी चैन क्यों फॉम्ड कर लेता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप ठीक है फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट यहाँ पर एक बार आप पढ़ सकते हैं ओके okay, नेक्स्ट बात करते हैं सैचरेटेड अनसेचुरेटेड आते आते हैं इंपॉर्टेंट है सेचुरेटेड कार्बन और अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड ठीक है अनसेचुरेटेड क्या होता है अनसेचुरेटेड यहीं पर बताया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और ये होते हैंचूरेटेड सैचुरेटेड क्या होता है सिंगल बॉन्ड जैसे कार्बन कार्बन ये सैचुरेटेड है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये अनसेचुरेटेड है ठीक है या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर यार ब्रांचिंग के लिए आप एक बार ये जरूर कर लेना मीथ इथ प्रोब्यूट पेंट है ठीक है ये मेनली पूरी सीरीज है जिसमें आपको पता होना चाहिए एन इन आइन का ठीक है एन मतलब सिंगल बॉन्ड इन मतलब डबल बॉन्ड आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड एन में फॉर्मूला लगता है सी एन एच टू एन प्लस टू इसमें लगता है सी एन एच टू एन और इसमें लगता है सी एन एच टू एन माइनस टू एन क्या है एन इज़ द नंबर ऑफ नंबर ऑफ यहाँ पे कार्बन uh, आइटम ठीक है जैसे मीथेन में वन है और इथेन में दो है तो आपको ये याद होना चाहिए मिथे प्रोब्यूट तो ऐसा आप याद कर सकते हैं कि ब्यूट पे चार है तो यहाँ पर चार लगता है एन की वैल्यू तो ठीक है तो ब्यूट एन हो गया ब्यूट इन करना है तो यहाँ पर एन की एन की जगह ठीक है, है? वही आपको चार रखना है तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो आप अब उसके अकॉर्डिंग अपना हाइड्रोजन वहाँ पर लगा सकते हैं तो इस तरीके से जैसे अगर मैं आपको ब्यूटीन का बता देता था चलो ठीक है ठीक है ब्यूट ब्यूट इन का बता देता ओके ब्यूटीन का बता देता हूँ ठीक है ब्यूटीन में ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर ब्यूटीन में चार हो गए तो यहाँ पर सी फोर एच टू इंटू फोर एट तो यहाँ पर आप चार कार्बन बना लो यहाँ ठीक है यहाँ पर चलो मैं एक क्वेश्चन कर ही देता हूँ फिर बोलोगे कि भैया कम से कम एक क्वेश्चन तो करा दो चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऑलवेज रेडी हैं ठीक है तो यहाँ पर गाइज़ आपको आठ बनाना है तो यहाँ पर ठीक है एच एच तो आप ये ध्यान रखो कि एक आपको डबल बोर्ड यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो एक डबल क्योंकि ईन है तो ठीक है यहाँ पर आपको एक दो तीन चार और एक दो एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है सात और आठ तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आपको मिलना अब आयन की कर दो तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ठीक है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ये डबल बॉन्ड आप यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर साइक्लो हैगजिन साइक्लो ठीक है पेंटेन या आपका कुछ बेंजिन के लिए आपको ठीक है चीज़ें थ्रू करनी देखो आपके साथ मैं भी यार मेहनत कर रहा हूँ तो आपको इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको वीडियो की जरूरत है एग्जाम टाइम पर तो यार ये आपका बेंजिन है ठीक है तो बेंजिन आप सिंपली ऐसे बना देना एग्जाम में कोई आए तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर मैं आपको बताऊँ साइक्लोहेक्गजेन ओके एग्जेन है तो आपको एग्जेन में यार ये देखना है कि इसमें कितना हाइड्रोजन बनना है ठीक है तो एग्जेन है तो यहाँ पर ऐसे कार्बन लगा देना तो इसकी आपको वैलेंसी पूरी कर देनी यहाँ पर वैलेंसी सबकी पूरी करनी है बेंजिन में वैलेंसी पूरी नहीं होती ये डबल मोड यहाँ पर घूमता रहता है बीच में वैसे मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियोज हैं एक बार गुरू थ्रू कर लेना ओके आपका एल्कोल एलडियाड कीटोन, कार्बोज एक्सीड के यहाँ पर फ़ंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए ये आपको फ़ंक्शनल ग्रुप एक बार है तो एक बार आप वो फ़ंक्शनल ग्रुप लेके ठीक है लगा लगा देना वन शॉट मैंने आपको बता रखी है वन शॉट में मैंने सारे फंक्शन को चीज़ें डिटेल करा के अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है रिलेटेड क्वेश्चन आते आता है जहाँ पे आपको तो ठीक है दो कंपाउंड दे देंगे कि आपका एक ठीक है एक मथेन है और एक इथेन है उसमें आपका कितना डिफरेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक सीरीज में आपका सी का डिफरेंस होता है ये आपका होमोलोगस सीरीज है तो होमोलोगस सीरीज रिलेटेड आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका सी का डिफरेंस है थ्रो तो ये काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है और एक सी एस टू में आपको पता है कि कितना होता है बारह और क्योंकि इसका मास जो होता है बारह होता है और एच का मास वन होता है तो वन इंटू टू तो ट्वेल्व प्लस टू इंटू वन य फोर्टीन ठीक है तो फोरटीन यू का डिफ्रेंस होता है दो कंपाउंड के बीच में अगर वो एक होम का हो सीरीज़ है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं तो इससे रिलेटेड ठीक है ये एक्टिविटी मैंने आपको बता रखी है तो एक्टिविटी एक बार आप जरूर गो थ्रू करें कार्बन कंपाउंड की ऑलरेडी है नोमैन क्लेचर ठीक है आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रोमो पेंटिन है तो क्लोरो में एक सी एल आ जाता है ब्रोमो में एक बी आर आ जाता है और प्रोपेन है तो प्रोपेन में मीथ इथ प्रोप मैंने आपको बताता है कि आपको याद करनी जरूर पड़ेगी तो मीथ इथ प्रोपिया आपका हो गया प्रोपेनोल में ठीक है मीथ इथ प्रोप प्रोपेनोल ओ ओल हो गया तो यहाँ पर ओ OH एच आ जाएगा प्रोपेनल नल ए एल में आपका ठीक है सी एच आ जाएगा तो मीथ इथ प्रो और एक चीज और फंक्शन ग्रुप का भी कार्बन ठीक है हम ऐड करते हैं फंक्शन ग्रुप का भी कारण जैसे सी एच ओ सी एच ओ तो फंक्शनल ग्रुप एक एल डी आइड है तो इसका भी कार्बन हम काउंट करते हैं अगर हम ठीक है आपका नेमिंग करते हैं जैसे प्रोपेन है तो तीन हो गए तो इसका भी सी काउंट होगा तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट है, आपको है। आ, आपको ये आपको गो थ्रू करना है नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ ये आपको स्ट्रक्चर बना के देखना है आपका साइकलो हैक्सिंग साइक्लो पेंटेन ये आप यार जरूर स्ट्रक्चर बना के जरूर देखना इनका फॉमला आपको पता होना चाहिए आइसोमर के बारे में एक बार आप जरूर गो थ्रू करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊँ कंबसन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ओके ऑक्सीडेशन uh, ये आपका जरूर आता है ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये आपका पता होना चाहिए यार ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आता है तो ये वाला ऑक्सीडेशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ठीक है अगर एल्कोहल को ठीक है एल्केलाइन कैमन ऑफ और यहाँ पर आपका ठीक है एल्केलाइन पोटेशियम पर मैगनेट के साथ बनाया जाए तो एल्कोल कन्वर्ट हो जाता है ठीक है आपका आ, ये इथेनोक एसिड में ठीक है तो यहाँ से आपका ये जो है वो ऑक्सीजन ऐड कर देता है एडिशन ठीक है एडिशन एडिशन ऑफ ओ तो ये क्वेश्चन इसका जरूर बनता है एक बार ये रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर करना है एडिशन रिएक्शन में क्या होता है एडिशन हो जाता है यहाँ पे आपके एच की निकली के प्रजेंट्स में होता है आपका ये प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल इथेनॉल में आपका प्रॉपर्टीज यहाँ पे ये वाली रिएक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे आपको मैं बता दूँ ये वाला क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे प्रसाद हैज हैजुरेटेड एलकोल एक्स तो एक्स का फॉर्मूला ये ठीक है ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एक्स वाले ठीक है कोई भी कंपाउंड को एक्स मान ले फिर बोलते हैं कि इसकी उससे इस रिएक्शन करा दिए तो क्या होगा मेनली राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ़ द वाई मेंबर डैट कम्स आफ्टर द टू प्लेस ऑफ एक्स तो टू प्लेस ऑफ एक्स इसके आगे के कितने सी है? फोर है तो दो प्लेस आगे क्या होंगे तो सी सिक्स सी सिक्स ठीक है और इसका क्या क्या बोला है कि फॉर्मूला क्या है? तो सी सिक्स और यहाँ पर एच नाइन है तो अब कितने हो जाएंगे इसके एच एच आपके जो बढ़ जाएंगे वो थर्टीन हो जाएंगे ठीक है क्योंकि सी एच टू एड होता है एक सी के साथ दो एच ऐड होता है ये आपकी होमोलोगस सीरीज हो गई आ, हाँ बाय हाँ मतलब मोलिको फॉर्मोला डिफरेंट फॉर्म था तो मोलिको फॉर्मे में कितने का डिफ्रेंस आया मैंने आपको बताया था सी एस ट में कितने का डिफरेंस होता है फोर्टीन का तो दो में कितना होगा अट्ठाइस का तो यहाँ पर राइज अट्ठाइस का आपका डिफरेंस मिल जाएगा गिव द रीजन ऑफ योर आंसर अच्छा एक्स की प्रॉपर्टी को कंपेयर करना है हमें तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है ये एक्स है ये बाई है दोनों की प्रॉपर्टी सेम की क्योंकि ये एल्कोहल ग्रुप है ओ एच ओ एच है और एक ही सीरीज के और एक ही होमोलोगस सीरीज है इसमें राइट द केमिकल फॉमुला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जेड फाउंड बाय द हीटिंग वाई राइट द फॉमूला ऑफ द अच्छा इस वाई को हमने हीट कर दिया ठीक है इस वाई को हमने हीट कर दिया तो आपको पता है ही, हीट करने पर क्या होगा एच थर्टीन ओ एच इसको हीट कर दिया पोटेशियम पर मैगनेट ठीक है या पोटेशियम डाइक्रोमेट अभी मैंने आपको बताया था जब हम हीट करते हैं तो इसमें आपका ठीक है कौन सा आ जाता है ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो ये हो जाएगा सी सिक्स ठीक है और ये आपका ये बन जाएगा आपका आ, 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 ओके इथेनोइक एसिड बन जाएगा ये आपका अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका ओ एच हो गया ठीक है ओके इस टाइप इस टाइम आपका ये है कंपाउंड ठीक है अब इसको हीट कर दिया तो यहाँ पर आपका ठीक है सी डबल ओ एच हो जाएगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका तो ये आपका क्या हो जाएगा सी फाइव ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन सी फाइव एच इलेवन सी ओ ओ एच तो ये आपका बन है ठीक है तो आप इस तरीके से क्योंकि दोनों में ठीक है दो कार्बन हुए तो यहाँ पर पाँच और एक छः और छः ओके तो इस तरीके से आप गाइज एक बार चेकआउट कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मेनली पता होनी चाहिए राइट द जनरल फॉमल ऑफ कंपाउंड एक्स इन द होम जेड बिलोंग टू द तो मैंने आपको बता दें ये आप ये हो गया आपका सी डब्लो एच है ना तो ये भी आपका ये ऐड होगा मैंने आपको बताया था तो ये आ जाएगा मीथ ईद प्रो पेंट हैक्स ठीक है एक एसिड तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल इथेनॉल की प्रॉपर्टी आपका एस्टेफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है एक बार आपको थ्रू कर लेना कोई भी क्वेश्चन हो ठीक है नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए एक बार कमेंट कर देना मुझे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बार गो थ्रू करना ये वाला रिएक्शन सोप डिटर्जेंट आपको पता ही है मेनली एग्ज़ाम के लिए आते आता है यह आप एक बार पढ़ लेना ठीक है माई सेल्फ फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माई सेल्फ फॉर्मेशन से रिलेटेड एक वीडियो है चैनल पर ऑलरेडी आप गो थ्रू करोगे तो डिटर्जेंट और सॉप के बीच का टीका डिफ्रेंस आता है तो ये आप जरूर एक बार गो थ्रू करना एक्टिविटी अगर आप पढ़ लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है एक्टिविटी मैंने सब बता रखा है तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए और ये मैंने पूरी केमेस्ट्री आज खत्म कर दिया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड तो एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गो थ्रू करना कोई भी कंसर्न तो हो तो प्लीज़ लेट मी नो और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी और किसी और वीडियो पे चाहिए तो एक बार मुझे ठीक है बताना जो कमेंट में और आपसे मिलते तो हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक यू थे। सो तो मच थे। बाय बाय टेक के गुड बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय